ये वक्त मोड़ी क्या कर रही है यहाँ पे? ये सच्ची घटना है राजस्थान के भिलवाड़ा की, जहां एक छोटे से कस्बे में बंजारों का खेल तमाशा उनके लिए खौफ का सामान बन गया। 20 साल बाद जब भुजंग नाम का बंजारों का सरदार अपने परिवार के साथ उस कस्बे में पहुंचा, तो मानो अतीत के कुछ खौफनाक पन्ने अपने आप खुलने लगे। मेहरबान कदरदान पानदान खानदान, दिल खोल के देखो, जेब टटोल को देखो, करतब बाजों का ये खेल जो है कभी ना फेल। दिल्ली को कुतुब मीनार देखो, सजनी को सोलो सिंगार देखो, पर कभी ना देखो होगो भील कबीलों को ये खेल तमाशो, जो होगो आपके दिल को आर पार, कबीले के सरदार भुजंग का सत सत नमस्कार। बहनों और भाइयों, कर्तव्यों को कर्तव्य, चक्कू छुरियों को खेल जो इस कस्बे में 20 साल बाद होगा, और इस साल मैं अपने बेटे सूरज के साथ एक हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाऊंगा। एक और खास बात, यह है हमारा भाई बब्बन, जो 7 दिन तक बिना इस साइकिल से उतरे आप लोगों को देता रहेगा सलामी। जिनको भी हमारा ये खेल तमाशो पसंद आए वो वापस अपने पैसे ले जाए। ताली। जागो चुड़िया चला ले। ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। के होया भाइयो? पता नहीं मारे को लागे कुछ काटे। बारा जा बारा जा बारा जा बारा भाइयो। के होया? खून निकल रहा है। तू तू चल 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 जा मलम बट्टी कर ले चल।
अरे आपका तो हाथ कट गया, मैं अभी पट्टी लेकर आती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब हम छोटे थे और हम अपने माता पिता के डेरों के साथ भीलवाड़ा के एक छोटे से कस्बे में खेल तमाशा दिखाने गए। पहले ही खेल के दिन हमारे साथ कुछ अजीब अजीब से हादसे होने लगे। बाबू सा तो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते, पर हमारी दादी सा एक प्रसिद्ध सिद्धि प्राप्त महिला थी, उन्हें पहले ही अंदेशा हो गया था कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, पर हमने खेल तमाशा बंद नहीं किया। वो पहली ही रात थी और किसी को नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जा भाया, तू भी रोटी खा के आराम कर ले। ए बब्बन भाया, 20 साल बाद मैं इस गांव में आया हूँ। इस बार का तमाशा ऐसा होना चाहिए कि आने वाले 20 साल तक लोग हमें याद रखें। हम अपनी जान लगा देंगे भाया, आपकी इज्जत को नहीं मिटने देंगे। अब रात बहुत हो चुकी है, आप जाकर आराम करो। अरे भाया, ऐसे कैसे आराम करूं तुझे अकेला छोड़कर। मैं जाता हूँ, रोटी खा के आता हूँ, तेरे वास्ते भी कुछ ले आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, आप जाकर आराम करो, आज पहला ही दिन है, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं भाया, ले आता हूँ, आता हूँ, अपना ध्यान रखियो। रिद्धि संभाल के गिरा मत। अरे थोड़ी देर और कर लो, बस खाना तैयार होते ही बुला लेती हूँ। खम्मा मासा, पहले दिन को खेल तो अच्छो भयो, लेकिन यहाँ कुछ गलत होने वाला है। गलत? हाँ, अगर उसे रोका नहीं गया तो बहुत बुरा हो सकता है। क्या कह रहे हो मासा, खुल के बोलो। माने यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगे, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, ऐसा लगे जैसे यहाँ हर चीज में मनुष्यत है। इतने सालों में पहली बार किसी जगह को लेकर हमारा मन बैठा जा रहा है। हमें करते कर ये जगह छोड़ के जाना है। क्या कह रहे हो मासा, अभी आए एक दिन ना हुआ है, आप जाने की बात कर रहे हो। मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। मानने तो लागे है कोई आत्मा हमारे पीछे है। आज खेल में जो जो हुआ, थारे को क्या लागे कि वो सिर्फ दुर्घटना थी? नहीं भुजंग, वो दुर्घटना ना थी, वो इसी आत्मा का किया कराया है। मासा आप तो जानो मैं इन सब बातों को मानू को नहीं, कहीं आप कोई गलती तो ना कर रहे हो। तू तो जाने है ना मैं कितने सालों से कबीले की सेवा करती आ रही हूँ, और ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी गलती नहीं की मैंने। मारे कबीले की देवी ने मारे को बताया है कि यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अच्छा ठीक है मासा, मारे को रोटी लेके बबन के पास जानो है, कल बात करते हैं। गणी खम्बा।
अधे देख छोरी, वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। मासा, अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो तो हमको गांव से बाहर निकाल देंगे। गांव वालों से बचने के लिए हमारे पास एक रास्ता है। बब्बन चाचा की मौत के बाद उन्हें छुपाने के लिए दादी सा और बाबू सा उस रात लोगों से छुपाकर उन्हें एक कब्रिस्तान लेकर गए और वहां उन्हें गाड़ दिया। पर ये अंत नहीं था, अभी बहुत कुछ होना बाकी था हमारे साथ। सुनो सुनो सुनो, मारा भाई बब्बन की तबीयत खराब हो गई है, इस वास्ते मारा बेटा सूर्या आज से 7 दिन तक साइकिल चलाओगो। और आज मैं वो हैरत अंगेज खेल दिखाओगो जो आज से पहले कभी न देखो होगो न सुनो होगो। अरे सूर्या, 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 मासा, मासा देखो ना। आज की रात टल गई तो मैं सूर्या को बचा लूंगी। नहीं मासा, मैं सूर्या को ऐसे तड़पते नहीं देख सकता। हम आज रात ही बड़े शहर चले चलेंगे। नहीं भोजन, आज की रात नहीं, आज की रात खतरे की रात है। मासा, मारे को सूर्या को जीवन बचानो है। सगुनिया के लाख मना करने के बावजूद वो लोग उस रात ही वहां से निकल गए थे, लेकिन उनके ग्रुप के कुछ कर्तव्यबाज को गांव में ही छोड़ दिया था। सूर्या की हालत खराब ही थी। सगुनिया की बात नहीं मानी थी भुजंग ने। उनको अपने बच्चे को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी शहर जाना था। सभी दुखी और डरे हुए थे। उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। चल, अरे वो नहीं चलेंगे, उनका रास्ता कोई रोक रहा है। हमारे रास्ते से हट जाओ, चले जाओ। अरे क्या होया भायो, ओ भायो क्या होया?
बाबूसा की जिद के कारण उस रात हम सब शहर की तरफ निकल पड़े थे। बहुत रात हो चुकी थी, पर कुछ था जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। बैलों ने भी हार मान ली थी। फिर हमने निश्चय किया कि कस्बे के बाहर जंगल में ही हम रात गुजार लेंगे। दादी सा भी अपनी पूजा में लग गई। उन्हें खतरे का डर था और खतरा धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। सब ठीक है ना? मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? ध्यान से। मासा, डेरा डाल दिया है और सूर्या को अंदर लेटा दिया है। ठीक है, तो जाके जंगल से लकड़ियां लेके मारे को पूजा करनी है। ठीक है मासा। और सुन, ये तावीज रख ले, थारी रक्षा करेगा। जाना चाहिए था, कहीं वो कोई मुसीबत में ना हो। एक काम कर, तू ये रख और अपने भाई का ध्यान रखना, और जब तक मैं ना हूं ना, तब तक दादी सा के साथ ही रहना। सूर्या के बापू अभी तक ना आए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं जाकर उनको देख कर आती हूँ। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, मैं पूजा शुरू करने वाली हूँ। थोड़ी देर में पता चल जाएगा वो कहाँ है। पर मासा, तू चिंता मत कर बेटी, मैं जरूर उसकी मदद करूंगी। आखिर वो मेरा बेटा है, बाहर बहुत खतरा है, एक आत्मा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, वो हमारा पीछा कर रही है। मैं पूजा करूंगी, वो मेरे सामने आ जाएगी। जा बेटी, तू अपने बच्चों का ख्याल रख। बापू,
कालिंदी सामने आओ मारे छोड़ो मुझे एक बार सामने आ जाओ कौन है तू जवाब दे कौन है तू तू 20 साल इंतजार किया है मेरे तुम्हारा तुम्हें याद तो है ना
मैं तने बहुत प्यार करूं। प्यार करते हो तो ब्याह क्यों नहीं करते मुझसे? तू जाने है ना, मैं चाह कर भी तेरे संग ब्याह नहीं रचा सकता। ब्याह नहीं कर सकते तो वादे क्यों किए? वादे करके तुमने मेरा फायदा उठाया। अगर तुमने मुझसे ब्याह नहीं किया ना तो कबीले में सबको सब कुछ बता दूंगी। अरे रे 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 रे, निमरी, मैं तो मजाक कर रहा से। ऐसे एक बात बताऊं, गुस्से में तू और भी सुंदर लागे। अच्छा एक बात सुन, कल का खेल खत्म होते ही मैं कस्बे के मंदिर में तेरे संग ब्याह रचाऊंगा। अच्छा मैं चलूं। नटनी हूं मैं, धोखा नहीं देना मुझे। मैं भी नट हूं, याद रखना, वादा करके मुकर पाएंगे। घणी खम्मा मासा। सरदार अपनी बेटी का लिंदी का ब्याह थारे से करना चाहे है तो अकेला इस कबीले का जाबाज करतबबाज है, इसलिए सरदार ने फैसलो लियो है कि थारे ब्याह के बाद वो कबीले की सरदारी थारे को दे दे दिया। मैं तैयार हूँ मासा। पर उस भीमरी का क्या होगा? मासा वो तो सिर्फ एक नाटक है, मैं उसे प्यार कौन करूं? ठीक है, उससे दूरी बना लो। और हाँ, कल तमाशा खत्म होने के बाद हम अपने कबीले वापस जाएंगे तो कालंदी से तेरे ब्याह की तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है मासा, घणी खम्मा। मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? कैसी बातें कर रही हो? आज के खेल तमाशे के बाद मैं तुमसे प्यार कर लूंगा, तैयार है ना? झूठ मत बोलो, मैंने सब सुन लिया है। तुम मुझसे नहीं कलंकी से ब्याह करने वाले हो और ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम कबीले के सरदार बन सको। बहुत खूब भुजंग, बहुत खूब। लेकिन हम भी नतनी है नतनी, एक बार किसके पीछे पड़ जाए तो उसका पीछा नहीं छोड़ते। आज इस खेल तमाशे के बाद हम तुम्हारा असली चेहरा सारे कबीले के सामने ले आएंगे। मौसर हो गई हो। वो तो मासा के सामने मैंने ऐसी झूठ बोल दिया था, तुम्हारी कसम। चलो तमाशे का समय शुरू हो गया। ऐसा निशाने बा
बाज है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। वो हमारे कबीले का सबसे बड़ा निशानेबाज है। मैंने माफ कर दे देवरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। प्यार के धोखे की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ दर्द होता है दर्द। जिस तरह आज तक मैं तड़प रही हूँ, मैं भटक रही हूँ, उसी तरह तुम्हें भी तड़पना होगा, तुम्हें भी भटकना होगा। तू है, मरने तो पहले ही पहचान जाना चाहिए था। छोड़ दे मारे छोड़े को। भुजंग, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक सकती। नहीं जाती बेटा, ये ढीमरी की आत्मा है जो तारे बापू को मार देना चाहती है, लेकिन हमें उसे ऐसा नहीं करने देना चाहिए। चलो गई, काहे खेल खेले है मेरे साथ? हम नहीं दिखाता हूं तुझे, आ जा सामने। उज्जैन, उज्जैन वापस आ, उज्जैन Papa.
सब खत्म हो गया। बाबू साहब, भाई साहब, मासा सब हमें छोड़कर चले गए उस रात। बाबा साहब ने जो गलती की थी उसकी सजा हम सबको उठानी पड़ी। हमें तो दादी साहब बचा कर ले आई यहाँ अपने साथ, पर उसके बाद हमने खेल तमाशे की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होगा ये बहुत कुछ निर्भर करता है उसके जीवन काल पर। परंतु फिर भी कुछ कारण ऐसे होते हैं जिस पर किसी व्यक्ति का वश नहीं चलता, और उसमें से दो मुख्य कारण हैं, हत्या या दुर्घटना के द्वारा हुई मृत्यु। जब किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है अपना बदला लेने के लिए, जैसा कि आपने अभी इस एपिसोड में देखा। इस प्रकार की आत्माओं को कई बार अपना हत्यारा बहुत जल्दी मिल जाता है, परंतु उस समय उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपना बदला ले सकें। ये आत्माएं अपने हत्यारे के आसपास घूमती रहती हैं शक्ति प्राप्त करने के इंतजार में, और जैसे ही इन्हें शक्ति मिलती है ये उसको समाप्त कर देती हैं। कई बार उसके पूरे परिवार को और यहाँ तक के उसके पूरे वंश को आत्माओं के बदला लेने की कोई सीमा नहीं होती। हिंसा हमारी प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रेम से रहें, सुरक्षित।